पहले नियम थे पुराने समय में, हमारे बाप दादे हमने देखे हैं कि जब घर में बहू आ जाती थी तो वो चारपाई भीतर से चबूतरे पर बाहर की बैठक में ले आते थे, अंदर से बाहर की ओर आई, भोग से भगवान की ओर, भक्ति की ओर, त्याग की ओर, तप की ओर, सत्य की ओर। इसका मतलब ये नहीं बाहर आ गए तो अखबारी चाटते रहे। आप कोई भी अखबार उठाकर देखिए, अगर आपको तारीख न बताई जाए तो सब में एक जैसे ही समाचार होते, अपराध के अलावा उसमें कुछ होता ही नहीं। अब 7 घंटे की नींद लेने के बाद व्यक्ति फ्रेश होकर उठाए, हाथ पैर धो धा के आकर बैठा, एक कप बढ़िया सी चाय पिए और वो अपराधों की फहरिस्त सामने आएगी, वो उसने उसको लूटा, उसने उसको मारा, उसने ये किया, उसने ये किया। और जब बिल्कुल जागृति से ही अपराध आंखों में आएंगे, फिर सोने से पहले टीवी में न्यूज देखते हो तो फिर वहां अपराध देखे हैं, रात को सोओगे तो स्वप्न में भी अपराध आएंगे, फिर कहते हो महाराज जी शांति नहीं मिलती है। शांति कोई बाजार से खरीदी जाएगी क्या? शांति आचरण से आती है, शांति शुभ से आती है, सदाचरण से आती है। आंखों के द्वारा पाप अंदर जाता है, पाप का प्रवेश द्वार आंख है, जीव नहीं है, जीव तो प्रकट करती है, आंख शुभ भी अशुभ भी ये आंखों से प्रवेश करती है।